हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी। बॉलीवुड के हैंडसम हंक कार्तिक आर्यन ने बीते दिनों अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। उनके इस बर्थडे बैश में फिल्मी दुनिया से कई सारे जाने माने सेलेब्स पहुंचे हुए थे। इसी दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी भी कार्तिक आर्यन के बर्थडे बैश में आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर वो अकेले नहीं बल्कि अपने मिस्ट्री मैन के साथ में स्पॉट हुई। दिशा पटानी वैसे भी किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में बनी ही रहती हैं। उनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा तो उनकी पर्सनल लाइफ सुर्खियों में रहती है। कई दिनों पहले ही दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ के ब्रेकअप की खबरें फिल्मी गलियारों में छाई हुई थी। इसके बाद अब अक्सर दिशा पटानी को एक मिस्ट्री मैन के साथ फेस स्पॉट किया जाता है, जिसके बाद लोगों के मन में तो यही सवाल है कि आखिरकार ये शख्स कौन है। वैसे आपको बता दें कि दिशा पटानी के साथ अक्सर नजर आने वाले इस शख्स का नाम अलेक्जेंडर एलेक्स एलिक है। खबरों की माने तो वे दिशा पटानी के दोस्त हैं। कार्तिक के बर्थडे बैश के लिए दिशा पटानी ने तो व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस कैरी की हुई थी, तो वही अलेक्जेंडर भी ब्लू डेनिम और व्हाइट शर्ट पहने हुए नजर आए। दिशा पटानी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में अलेक्जेंडर दिशा को सभी से बचाते हुए लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स भी कई तरह के सवाल करने लगे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद किसी ने इस शख्स को दिशा पटानी का बॉडीगार्ड कहा तो किसी ने भाई ही कह डाला। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि ये इसका बॉडीगार्ड है क्या। तो वहीं कई यूजर्स ने टाइगर श्रॉफ को लेकर भी कई सारे कमेंट्स किए और कई सारे सवाल खड़े किए। अब आपको बता दें कि ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि जब दिशा पटानी को अलेक्जेंडर के साथ में स्पॉट किया गया है। इन दोनों की कई तस्वीरें इससे पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रही हैं। इन दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों का मानना है कि टाइगर और दिशा के ब्रेकअप के पीछे अलेक्जेंडर का ही हाथ है। और अब टाइगर के बाद दिशा की लाइफ में अलेक्जेंडर की एंट्री हो गई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो शायद एक्ट्रेस ही खुद बेहतर जानती है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी एंटरटेनमेंट की और भी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड केसरी।